गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरुजी। कैसे हो आप सब? तो आज है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह 5:30 हुए हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है कहीं पे, तो मुझे फटाफट पार्थ और घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है। मैं आज ब्रेकफास्ट में पार्थ को भरता दे रही हूँ और लंच में सफ़ेद छोले भिगोए मैंने, वो बनाने लगी हूँ। और साथ में मुझे मैकरोनी बनानी है अपने लिए, क्योंकि मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ ट्रैकिंग पे, तो मैं 8 बजे सुबह निकल जाऊँगी पार्थ का लंच और नाश्ता सब करके। उसके बाद पीछे से मेड आएगी और वो घर पे मम्मी पापा और मोहित को पराठे बना के खिला देगी। तो मुझे मैकरोनी साथ में लेके जानी है। हम फ्रेंड्स सारे कुछ ना कुछ बना के लाएंगे, इट बी फन। यहाँ मैंने रख दिया है बैंगन भूनने के लिए भरते के लिए, और यहाँ मैं छोले का तड़का तैयार कर रही हूँ। वहाँ मैंने मैकरोनी बॉयल होने के लिए रख दी है और अभी 6:45 हुए हैं, तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। गाइस, 1 घंटे बाद, इट्स 7:15 एंड सब कुछ बन गया मेरा। ये बन गए हैं मेरे छोले एंड ये बन गया है मेरा भरता, मेरा नहीं मतलब बैंगन का भरता। और यहाँ मैंने अपनी फ्रेंड्स ले जाने के लिए बना ली है खूब सारी मैकरोनी। ओह माय गॉड। एंड अब मैं फटाफट से फुलके बनाऊंगी पार्थ के लिए एंड उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी नहा के। ये लोग यहाँ उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग पार्थ। गुड मॉर्निंग जीजू। जय गुरु जी। हाँ जीजू, आपके जिम भी हो आए क्योंकि आज पीछे से मोर्चा इनको संभालना है। ये पार्थ को स्कूल ड्रॉप करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। मैकरोनी पैक्ड, पार्थ टिफिन पैक, यस। तैयार नहीं हुआ पार्थ अभी तक, तो टाइम हो गया, अब मैं तैयार होने लगी हूँ। जीजू तैयार हो गए फिर से। जब जा रही हो? जब जा रही हो? कब जा रही हो मतलब? 8 o'clock। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें ही मुझे मेन गेट पे ड्रॉप करना पड़ेगा जब तुम इसे लेके जाओगे। तो ये पूरे गृहस्थी की जिम्मेवारी मेरे इन मजबूत कंधों पे आने वाली है। सारी गृहस्थी संभाल के जा रही हूँ मैं, तुम्हें बस बैठ के एंजॉय करनी है। बहुत जिम्मेवारी है उसकी। हाँ, सारी गृहस्थी, बच्चा, माँ बाप। अच्छा, बच्चा जा रहा है स्कूल, मम्मी पापा के लिए भी अरेंजमेंट कर दिया है। जिम्मेवारी मुझ पे आ गई है। तुम्हारे लिए भी अरेंजमेंट कर दिया है। मेरे लिए क्या अरेंजमेंट कर दिया है? गोभी के पराठे बनाएगी सरिता आके। ओह माय, मम्मी पापा तुम्हें खिला देगी, सारा गोभी ग्रेटेड है, एवरीथिंग। वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। हाँ, तो अब तुम थोड़ा संभाल लेना 50 टन का भार। जिम किस लिए जाते हो, है ना? एक दिन तो मोर्चा संभाल ही सकते हो। चलो मैं तैयार हो रही हूँ। ओके, बाय पार्थ। बाय बाय, हैव अ गुड डे। सेम टू यू। थैंक यू। चाओ जी। यू हैव फन इन अरावली हिल्स। ओके जी, थैंक यू। मेरी फ्रेंड ने तो अभी तक फोन ही नहीं उठाया, तो नहीं कब आएगी लेने। वहाँ कहीं वो मत कर देना, शेर चीतों को डरा मत देना। हाँ, कोई तुम चिंता मत करो। दहाड़ दो तुम। तुम माँ की टोपी तो पापा ने पहनी। चल बाय बाय। गाइस, आई एम ऑल्सो रेडी। तो मैंने ये अपनी जिम पैंट्स पहनी है, ब्लैक टॉप एंड पोनीटेल कर लिया है। आई एम डन। कैप लेके जा रही हूँ, शेड्स लेके जा रही हूँ एंड मैकरोनी का डब्बा लेके जा रही हूँ। बट जा कहाँ रही हूँ पता नहीं, वेट कर रही हूँ। फ्रेंड ने ना फ़ोन उठाया है ना मैसेज किया है। फाइनली गाइस, आ गई है चारू गेट पर लेने मुझे और मैं जा रही हूँ। ये रहा मेरा बैग, बॉक्स ऑफ मैकरोनी, सम डिस्पोजेबल्स, माय शेड्स, माय कैप, हैंकी, एवरीथिंग इज पैक्ड। गाइस आ गए ये लोग। हाय प्रिया। हाय। अच्छा ब्लॉगर सब। हाय गाइस, यहाँ बैठना है तुम्हारे लिए स्पेशल। अरे नहीं नहीं, चौके यार, कम ऑन। अरे कम ऑन यार, बैठो तुम। बैठ नहीं, बैठो। बैठे हुए क्यों उठ रही हो यार, ये क्या बात हुई? प्लीज आ जाएगी। हाय गाइस, तुम आराम से आ जाओ। हां बहन, तू चिंता मत कर, जैकेट से आने लग रही थी। हाय एवरीवन। हाय श्वेता। मजा आ गया भाई।
एसीपी नेहा राठी ओके आई एम श्वेता सिंगल मदर टू टू ट्विन्स एंड आई एम अ होममेकर वंडरफुल वंडरफुल वेरी टफ जॉब हां जी इधर हाय आई एम शैलजा आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर ओह माय गॉड एंड यू ऑल गाइस नो मी वेरी वेल या आई एम बैक और हम एक गाना लगाते हैं व्हाट्सएप जंगल वाला नहीं नहीं जंगल मूवी का जैसे का सहारा है दोस्तों ये तेरी दोस्ती के ऊपर गाना भाई गाइस रास्ते में पेट पूजा शुरू हो चुकी है सबसे पहले सैंडविच छके जा रहे हैं तो यार है हीरा मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया तुम जैसे मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा पार्क कर दिए यहाँ पे ये देखो ये अपना यार और ये उसकी यारियाँ ये लेके आए इतने खतरनाक रास्ते से बड़ा मस्त है वो देखो आगे देखो वो देख सारा पहाड़ी पहाड़ वाह भाई वाह आ जाएगा मजा गाइस प्रसून टेंपल है ये परसों भी लेना ना सैटरडे हाँ सैटरडे प्रसून तुमने मेरी अंदर की आत्मा ओह माय गॉड जैसे जब टॉयलेट आता बच्चों को ओए या तो ये मेरे रिकॉर्ड कर दिया करते नहीं जैसे अब नाक आएगा तो फिर शुरू 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 हो गई ना मेरे को नोजी आ रही है जय भोले बाबा ये देखो गाइस ये लिखा है परसोन पराशर धाम महर्षि पराशर की जगह थी महर्षि पराशर प्रकांड विद्वान की तपोस्थली ब्रह्म कुंड व प्राचीन परसोन मंदिर गजब गदर क्या जगह है ओह थैंक यू यार क्या हवा है किसी ने बनाया प्रोग्राम मजा आ गया शैलजू बाबा ने देखो गाइस दूर दूर तक सारी अरावली हिल्स दिख रही है आपको अरे मेरा कहां गया कैमरा मजा आ गया सबके फोन चालू हो गए सब लगे पड़े वाओ गदर है भाई गदर गाइस लो देखो यहाँ पे सुनसान पथरीली जगह पहाड़ों में क्या मस्त हवा और मंदिर जगह जगह मंदिर ये गाइस मजा आ गया 9:30 बज गए गाइस 110 सीढ़ियां नीचे जाना है मंदिर के लिए और फिर वापस आना है फ्रेंड कर रहे हैं तो बोलो हर हर महादेव हर हर शंभो शंभो इधर ये हर
पहुंच गई है वहाँ पत्थरों में जाके क्राइम ढूंढ रही है। ओह माय गॉड, जाके कानून के हाथ लगा रही है। ओके ओके गाइस, दिख रहा है कुछ? मुझे तो नहीं दिख रहा। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो दिख रहा है, हम आ गए चारों, मुझे सबके अंडे दिख रहे हैं। गाइस तो हम अपनी एक सहेली का वेट करते हुए यहाँ पर चंद्रे बिछा चुके हैं, क्योंकि अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पेट पूजा, फिर आप पूजा। तो अभी अपना मैकरोनी का डब्बा खोल रहे हैं, आ जाओ आप लोग भी। गाइस यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम शैलजा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो शैलजा, आपको यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये हमारी मुस्टंडी, ये तो आपको दिखी जाएगी मेरे वहाँ पर। और ये हमारी मैडम जी, टीचर मैडम जी। इस लोकेशन चेंज, हमें एक छत मिल गई है आने के लिए, और यहाँ पे हमने अपनी चादरें बिछा ली। जंगल में मंगल कर रहे हैं, और अब हम लगे हैं खाने। हम दिख नहीं रहे वैसे। गाना लगाने की ड्यूटी है चारू की। यह दिख रही है हरियाणवी का? हाँ मैं मस्त दिख रही हूँ एकदम। बैग में तो रखा है पूरा। प्रिया, प्रिया लेके आई है। हाँ जी हाँ जी। क्या चाल? बढ़िया बहन, बढ़िया। ये चार चार मेरी फ्रेंड प्रिया, जैसे मैं इनको पहचान गई है। गाइस पेट पूजा हो चुकी है, वो रहा झुंडा हमारा, और इस छत से जरा मैंने का व्यू दिखा दूं आपको, क्या मस्त व्यू दिख रहा है पहाड़ों का। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओ भाई, और ये जय सूर्य देव, मजा ही आ गया, बहुत मजा आ गया। हर हर महादेव। चलो अब हमने शुरुआत कर ली, अब गैंग पूरा हो गया। वापसी में चाहिए। हर हर महादेव। लो जी शुरुआत हो चुकी है, मंदिर की सीढ़ियों पे चल रहे हैं हम। मन्ने भी चलो कोई नहीं, मन में भाव रखो। गाइस हम मंदिर पहुंच गए, लो जी दर्शन कर लो, जय भोले बाबा। ये गंदा ही है। जाओ ये देख, वाओ। हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, मजा आ गया, दिल मन सब पवित्र हो गया, तृप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ा प्यारा सा झरना बह रहा है, दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस कुंड, और वो देखो झरना, छोटा सा झरना, वाटरफॉल। चलो जी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हेलो गाइस, ओके मैम, वी आर फॉलोइंग यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब काली माँ के मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए हम लोग, जय माँ काली। वाह यार मजा आ गया, वाओ झरना, ये देखिए ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ये हरे भरे पेड़, और ये हमारा प्यारा झरना झर झर करता हुआ।
जो नीचे जाके कुंड में मिल रहा है। मेरे बाल खींच रहे हैं। ये किसका है? इसमें ज्यादा अच्छी आ रही है मेरे हिसाब से। अब इसे स्टॉप कैसे करना है तुम्हारे? इसको गाइस अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। उस साइड के मंदिर देख लिए हमने। अब इधर थोड़ा सा लंबा रास्ता है और यहाँ पे नंदी बैल जी भी हैं। हाँ वो रे दर्शन हो रहे हैं हमें बार बार। लोग जहाँ फोटो खिंचा रहे हैं वो पीछे बैकग्राउंड में नेवले भी है, सांप भी है, नेवले भी है भाई साहब। पता नहीं अब किन किन के दर्शन होंगे, वी डोंट नो। लो जी हम आ गए हैं अगली जगह पे, मंदिर कैट वॉक। हमारे शिव जी महाराज का एक और मंदिर, तुलसी माता विराजमान है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जी का नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय श्री राम। शंभो शंभो महादेव शंभो। मजा आ गया गाइस आज। बस अब ऑलमोस्ट हो गया है, वापसी की तरफ शुरू करने लगे हैं हम। कुछ 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 तो मैं बनाती हूँ। अभी तो लो 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 करते भोजपत्र का पेड़ है वो, देखो भोजपत्र नहीं होता भाई, ये भोजपत्र कह रहे हैं। ये बीन्स मेरे को तो फ्रेंच बीन्स लग रही हैं। ये देखो ऊपर वापसी की ओर चढ़ाई हो रही है। चलो 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 चढ़ मेरा बच्चा। डंडा ये रहा इसके पास, चाहिए तो है। चलो जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल 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 समझ ग्लूकोन डी तेरी। लो जी सबकी सांस फूल गई है। सांसों की माला से सिमरू मैं पी का नाम। चाय दे दो भैया। गाइस हमने फिर से अपनी चौकड़ी जमा ली है यहाँ पे भुक्कड़ है और ये हम सब बैठ गए हैं अपना आखिरी आइटम खोलने के लिए। पूड़ी आलू है और अभी साथ में हमें पंडित जी पिलाने वाले हैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। चाय 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 चाय। वाह वाह आलू की शक्ल तो बड़ी सुंदर लग रही है यार, मसालेदार आलू। आलू जी बढ़िया घर खाना। अचार भी है क्या? धन्यवाद पंडित जी, पंडित जी ने हमारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, शुक्रिया पंडित जी। उल्टी आपको खिलाना चाहिए, उल्टा आप हमें खिला पिला रहे। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह हम थोड़ी खिला रहे हैं, खिलाने वाले ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही। नंदी महाराज की जय। मजा आ गया गाइस, बस अब पेट पूजा करते हैं थोड़ी सी और फिर वापस चलते हैं। गाइस हो गया हमारा मस्त पिकनिक ट्रैकिंग, सब कुछ मजा आ गया और अब हम पी के लौट के चल रहे हैं। अब हम घर जा रहे हैं वापस। बैक होम फ्रेंड्स, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े टाइम बाद मैं निकली हूँ फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे नई नए फ्रेंड्स बने। एवरीबडी वॉज वेरी स्वीट, जोवियल नेचर, अच्छे से मिक्सअप होने वाले, खूब मस्ती मज़ा करने वाले और बहुत ही बढ़िया रहा है। मौसम अच्छा था, साथ में मंदिर वगैरह हम होकर आए और वहाँ पर वो जो कुंड था उसके बारे में हमें पता चला कि उसकी क्या वो है सिग्निफिकेंस। वो जो कुंड है ना महर्षि, महर्षि का नाम भूल गई हूँ मैं, ढूंढ के लिख दूंगी। उन्होंने वहाँ पर तपस्या करी थी कई साल और अपने कमंडलू में से वहाँ पे उत्पन्न किया था वो कुंड, क्योंकि वो अरावली हिल सारा ड्राई एरिया है, वहाँ पर कुछ भी है नहीं
मतलब पानी का स्तोत्र वगैरह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर तप करके पानी को उत्पन्न किया था। तो उस कुंड में कहाँ से पानी आ रहा है साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए, और वो फेमस है इसलिए कि अगर उसमें आप नहाओ तो आपकी स्किन डिजीज़ वगैरह सारी ठीक हो जाती हैं, और वो कहते हैं ना अगर आपके ऊपर कोई साया वाया किसी ने करा हुआ है कुछ तो वो सब ठीक हो जाता है, वहाँ के पंडित जी ने हमें बताया। तो बड़ा ही अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। वहाँ पर ट्रैकिंग भी हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, कंफर्टेबल था, हम इतना थके भी नहीं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था और हम अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके गए थे तो पिकनिक भी हो गई हमारी, कुछ हमें बाहर से नहीं खाना पड़ा, बिल्कुल परफेक्ट रहा एकदम। टाइम से गए और टाइम से वापस भी आ गए, 1:30 बजे 1:20 पे मैं घर आ गई थी। हेलो जी, हम त्यार शहरों के फिर से निकल पड़े और हम जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर। ये रहे आपके जीजू, आज प्रिया का घूमी घूमी डे है। हाँ, आपको सुबह से ये दिखे ही नहीं, ये घर पे थे मेरे पीछे से, अपना ऑफिस अटेंड कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था मैंने इन मजबूत कंधों पे जिम्मेवारी उठाई है, बहुत अच्छे से संभाला इन्होंने घर। तो आपके जीजू का ऑफिस खत्म हो गया, बाद स्कूल से वापस आ गया, हम तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर। करमा तो शर्माई दुनिया, करमा तो शर्माई मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो। जय गुरु जी गाइस, दर्शन कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी गाइस। हम अभी अभी घर पहुँचे हैं, 8 बज गए। तो मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया है और मैं डिनर के लिए दाल तड़का बनाने लगी हूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं भी थक चुकी हूँ सुबह से। सुबह ट्रैकिंग पे गए, फिर शाम को गुरु जी के बड़े मंदिर गए, तो काफ़ी थकावट हो गई आज। ओ माई गॉड, काजल मेरा सारा फैला पड़ा है। बस अब मैं फटाफट से दाल बनाऊंगी, मेड पीछे से आके चपाती बना रही है अभी अभी। डिनर करेंगे और सो जाएंगे, और आप सबके लिए भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। खुश रहो।